आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूं जियो सिनेमा ऐप के बारे में। और आप लोग का एक सवाल था, डाउट था कि मैं जियो सिनेमा एप्लीकेशन में कोई भी मूवी को, कोई भी वेब सीरीज को डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं बताऊँगा कि आप जियो सिनेमा एप्लीकेशन से किस प्रकार से मूवी वेब सीरीज को बहुत आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और आप लोग का एक और सवाल था, ये जो डाउनलोड होता है उसके बाद जाता कहाँ पे है, मैं कैसे यहाँ पे खोज कर निकालूंगा, मेरा डाउनलोड कैसे मतलब कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे कैसे मालूम चलेगा। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको चेक करना है, तो जिससे कि आप भी बहुत आसानी से जियो सिनेमा एप्लीकेशन में मूवी वेब सीरीज को डाउनलोड करके देख पाएंगे। लेकिन वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहां पे आप देखेंगे कि मैं आ चुका हूं कहां पे, मैं आ चुका हूं जियो सिनेमा एप्लीकेशन पे। सबसे पहले यहां पे आपको जाना है, एक यहां पे गाइस एक यहां पे न्यू मूवी आया हुआ था जो कि यहाँ पे गाइज यहाँ पे कुछ ही दिन पहले आया था, जिसका मूवी का नाम था भेड़िया। मैं सिंपली इस मूवी में जाता हूँ और यहाँ पे गाइज आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड वाला ऑप्शन। सिंपली मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाता हूँ और डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे क्वालिटी चूज करने को बोल रहा है कि कौन से क्वालिटी में देखना है। और यहाँ पे ऊपर में आप गाइज यहाँ पे आप लैंग्वेज को भी सबसे पहले गाइज आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज को सबसे पहले गाइज आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे क्वालिटी दिखाई जाएगी कौन से क्वालिटी में देखना है। और सिंपली गाइज आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। और यहाँ पे गाइज आपको देखेंगे कि आपका जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद सिंपली बैक करते हैं। आपको तो मैंने सिखा दिया कि किस प्रकार से गाइज आप यहाँ पे मूवी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा जो है मूवी डाउनलोड होना भी शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब आप लोग यहाँ पे वेब सीरीज को कैसे डाउनलोड करेंगे। एक यहाँ पे न्यू वेब सीरीज आया हुआ है जो कि है असुर 2। सिंपली मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ और इसमें जाकर मैं यहाँ पे इस वाले मैं यहाँ पे इसे मूवी डाउनलोड करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ, ये मेरा यहाँ पे वेब सीरीज है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली गाइज आपको करना है क्या है कि यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है और यहाँ पे गाइज आपको क्वालिटी चूज कर लेना है। सिंपली गाइज आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से गाइज आपका यहाँ पे वेब सीरीज भी डाउनलोडिंग होना शुरू हो चुका है। मैंने एक वेब सीरीज डाउनलोड करने मैंने लगाया और मैंने एक मूवी लगाया हुआ है। अब आप लोग का सवाल है कि मैंने यह जो मूवी और वेब सीरीज को डाउनलोड कर रहा हूँ वो मेरा मूवी और वेब सीरीज जाएगा कहाँ पे? तो उसके लिए गाइज आपको करना है क्या है कि यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर का। सिंपली यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे गाइज आपको दिखाई देगा डाउनलोड वाला। सिंपली यहाँ पे गाइज आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे देखेंगे मेरा जो है दो गो पहले से डाउनलोड था और मैंने एक डाउनलोड किया है और एक मेरा जो अभी जो मैंने यहाँ पे मूवी को डाउनलोड मैंने यहाँ पे किया था वो मेरा मूवी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से गाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे अपने मूवी को, अपने वेब सीरीज को डाउनलोड करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज मैंने आपको बहुत आसानी से मैंने बताया कि जियो सिनेमा एप्लीकेशन में किस प्रकार से मूवी वेब सीरीज को डाउनलोड करेंगे, उसे आप डाउनलोड करने के बाद किस प्रकार से देख पाएंगे। वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस वीडियो में समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।